हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल एंड बेनिफिट्स रहेगा, सो वीडियो को फुल वॉच करना, एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए सो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल पर एक नया व्यूअर है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो में मैं आप लोग का साथ शेयर करने वाले हूँ कि अंडरआर्म्स को कैसे स्पॉटलेस और लाइटन कैसे करना है। सो गाइस, हम रिजर्व तो कर सकते हैं, लेकिन रिजर्विंग करने के बाद जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। और अगर आपको शेविंग करना नहीं आता है, रिजर्विंग करना नहीं आता है, सो प्लीज अब आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। इसके पहले मैंने वैक्सिंग का भी वीडियो डाली हूँ और रिजर्विंग का भी वीडियो डाली हूँ। सो आपको जो हेल्पफुल रहेगा वही आप कर लेना, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी आपको रिजर्विंग करने के लिए, क्योंकि रिजर्विंग करना बहुत ज्यादा मतलब क्विकली हो जाता है एंड इजी प्रोसेसिंग में भी हो जाता है। और वैक्सिंग करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लेता है और थोड़ा पेनफुल भी होता है। इसका पहले मैंने वैक्सिंग का भी वीडियो डाली हो, आप लोग देख लेना। ओके गाइस, सो अभी जो बात करने वाले हैं हम स्पॉट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर थकान हो जाता है और इतना काम के चक्कर में अपना स्किन केयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन सामने ही पूजा है और इस टाइम पे अपना स्किन को थोड़ा ब्राइट ग्लो और लाइटन करने के लिए हम सभी ध्यान देते हैं। सो गाइस, ये रेमेडी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा और सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपको घर पर ही अवेलेबल है। और अगर नहीं भी है, इसको बाय करने के लिए आपको ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम ये रेमेडी तैयार कर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रेमेडी बनाने के लिए जो चाहिए होगा वो है खाली साफ़ सुथरा बाउल, एंड इसमें हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास रॉ मिल्क। ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तब भी ये रेमेडी जो है ना ज़्यादा हो जाएगा अब कैंड्रम्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद भी। तो इसलिए आप 2 टेबलस्पून के आसपास रॉ मिल्क ले लीजिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून के आसपास बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे नारियल का तेल ले लेंगे, यानी कि कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने पैरासूट का कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करी हूँ। उसके बाद हमें चाहिए जो है एलोवेरा जेल, तो यहाँ पे मैंने पतंजलि सौंदर्य का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करी हूँ 1 टेबल स्पून। अब जो है सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड ये देख सकते आप लोग काफ़ी थिक बना है, और अभी आप लोग मेरे अंडरआर्म्स देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैकन है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखता है और स्मेली सा होता है जब भी हमारा स्पॉट पड़ जाता है। तो इसके लिए हमने जो रेमेडी बनाया है उसको जो है अच्छे से अपने अंडरआर्म्स के ऊपर अप्लाई करेंगे फिंगर टिप के मदद से, एंड थोड़ा अच्छे से मसाज दे देंगे लाइक 2 टेबलस्पून के आसपास। एंड उसके बाद जो है आपको दोनों अंडरआर्म्स पे लगाने के बाद इसको आप वेट करना है सुखाने के लिए लाइक 10 to 15 मिनट्स, या फिर आप ज़्यादा भी रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स रखने के बाद ही काफ़ी अच्छे से सूख चुका है। एंड अभी जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से और मसाज कर देंगे, ताकि इसका जो भी कुछ है, जो भी बेनिफिट्स है, और अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे स्किन के साथ एंड स्किन जो है थोड़ा लाइटन हो जाए। एटलीस्ट आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा पहले कितना ज़्यादा डार्क स्पॉट्स था एंड अभी जो है कितना ज़्यादा लाइटन हो चुका है। सो अभी हम इसको अच्छे से वॉश कर लिए है नॉर्मल वाटर से, बाकी और कुछ अप्लाई नहीं करे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं नैपकिन की मदद से अपने अंडरआर्म्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा एक मतलब रिजल्ट दिया है एक ही इस्तेमाल करने से, एज यू कैन सी। सो ये अभी स्पॉट्स भी नहीं है और स्मेली सा भी नहीं है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के फर्स्ट टाइम में देखा कि कैसा अंडरआर्म्स एकदम ब्लैक एंड था, और रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद एकदम से स्पॉट जो है गायब हो चुका है। अगर आप इसको वीक में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्पॉट का प्रॉब्लम हो वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। सो गाइस, होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखे, स्वस्थ रहे, ध्यान रखे। बाय बाय, टेक केयर।